मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के सहबा चौक के समीप दबंगों ने सरकारी जमीन को बेच दिया। जमीन पर निर्माण कार्य करने आए लोगों को ग्रामीणों ने भगा दिया। वहीं अंबेडकर सेना व भीम आर्मी के सदस्यों ने उस स्थल पर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर जमीन पर कब्जा जमा लिया। भीम आर्मी का नेतृत्व कर रही रिंकू देवी ने कहा कि सरकार दबंगों को सरकारी जमीन का बंदोबस्त कर रही है, गरीबों को रहने लायक जमीन नहीं है। भीम आर्मी के सदस्यों ने कहा कि प्रशासन सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले तथा खाली जमीन पर अंबेडकर पार्क और लाइब्रेरी का निर्माण कराए। घटना की सूचना पर सरकार पुलिस ने दो चौकीदार को वहां तैनात कर दिया है। वहीं सीओ ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मूर्ति स्थापित करने के खिलाफ वरीय महकमे को लिखित प्रतिवेदन दिया है। उधर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित होने के बाद पूर्व विधायक लाल बाबू राम, पूर्व प्रमुख अनिल राम स्थल पर पहुंचे व लोगों से बातचीत की। बताते चले कि सहवा चौक के उत्तर पश्चिम सड़क के किनारे करीब 26 डिसमिल जमीन पड़ती पड़ी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में सड़क किनारे कुछ लोगों के नाम पर ये जमीन बंदोबस्त हुई थी, जिनके नाम से ये जमीन बंदोबस्त हुई, उनके मरने के बाद ये जमीन पड़ती रह गई। करीब दो दिन पूर्व उक्त जमीन पर कुछ दबंगों ने निर्माण कार्य शुरू किया, जिसकी जानकारी होने पर लोगों ने रोक लगाई थी। थाना अध्यक्ष ने बताया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। स्थल पर निगरानी के लिए दो चौकीदार तैनात किए गए हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व के दबंग जो लोग हैं और यहाँ के सकरा प्रखंड के काफी दिनों से लोग प्रस्तावित था, यहाँ पे बिहार सरकार का जमीन है ना, गजमजरुआ जमीन है, यहाँ पे पहले से प्रस्तावित था कि बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाएगी। यहाँ तमाम कल जो है ग्रामीणों ने, सकरा के ग्रामीणों ने, बाबा साहब दलित समाज के ग्रामीणों ने, महिलाओं ने बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कर दिया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं यहाँ पे जो कि बाबा साहब को नहीं मानते हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से मूर्ति हटवाने की बात कर रहे हैं, उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन, यहाँ के जो है सीओ और थाना प्रभारी, सभी को सूचना दे दिया गया है। सकरा प्रखंड मुजफ्फरपुर में तो सभी को सूचना दे दिया गया है और हमने अभी थाना प्रभारी सीओ साहब दोनों आदमी से बात किया है कि जल्द से जल्द वहां प्रशासन उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो बार बार कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो है धमकी दे रहा है, मारने का धमकी दे रहा है, उखाड़ के फेंकने का, यहाँ पे तमाम महिला और लोग रात दिन माने बाबा साहब की प्रतिमा की सुरक्षा कर रहे हैं, पूरे प्रखंड के लोग हैं यहाँ पे उपस्थित है। हम लोग को जैसा ही जानकारी हुआ तो आज जो है सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग कह देते हैं प्रशासन को, जिला प्रशासन को, कि बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ से हटनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, किसी प्रकार का यहाँ शांति व्यवस्था अगर भंग होती है, इसके पूरी जिम्मेवार यहाँ के जिला प्रशासन होगा, यहाँ के प्रखंड प्रशासन होगा। इसलिए जिला प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पे 144 धारा लगाते हुए प्रतिमा की सुरक्षा को नजर देखते हुए और साथ साथ जो है ये न्यायिक प्रक्रिया में भेज दिया जाए, बाबा साहब की यहाँ सुरक्षा के लिए प्रशासन उपलब्ध कराया जाए। इतना ही हमारी जिला प्रशासन से मांग है, किसी प्रकार का शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर न भंग हो, है ना, इसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं। क्या हुआ आपका परिचय? चंदन कुमार पासवान, भीम सैनिक दल, राष्ट्रीय संयोजक। कि बाबा साहब की मूर्ति यहाँ स्थापित रहे और ये जितनी भी गवर्नमेंट जमीन है वो गवर्नमेंट जो है उसको बंदोबस्त, बिहार सरकार की जमीन, उसे बाउंड्री करके घेर दिया जाए। हमारी बाबा साहब की जो भी प्रतिमा लगी हुई है उसकी सुरक्षा, बाबा साहब की जो मूर्ति लगी है वो मूर्ति के यहाँ पे बिहार सरकार के 26 डिसमिल जमीन है, जहाँ पे दर्जनों गांव के ग्रामीणों और महिलाओं के द्वारा बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की गई है, जिसको मैं सरकार से मांग करती हूँ कि यहाँ पे 26 डिसमिल बिहार सरकार की जमीन है वो चिन्हित करके सरकार बाउंड्री वाल कर दे और हमारी बाबा साहब की प्रतिमा है वो स्थापित सुरक्षित रहे और यहाँ पे बाबा साहब के लाइब्रेरी या दलितों की बस्ती बसाई जाए। यहाँ पे क्या डर है, किस लिए आप लोग आज? हम लोग इसलिए डरे हुए हैं यहाँ पे कि कल जब मूर्ति स्थापना की गई थी उसके कुछ देर के बाद माने बाहर से कुछ लोग आ करके धमकी दे रहे थे, मारने पीटने की बात कर रहे थे, बाहर के लोग थे और वो मूर्ति बोल रहे थे कि मन में उठा के फेंक देंगे इन लोग के जाने के बाद। तो हमने इस बात को सुना तो मैं महिलाओं के साथ सुरक्षा में यहाँ पे रात भर रही, जबकि रात में भी
कुछ लोग बाइक से भी आए थे और गाड़ी से भी आई थी और मूर्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी, तो हमारी बहनों के द्वारा उसे खदरा गया जिससे कि बाद से वो नहीं आए हैं। लेकिन दिन में भी कुछ लोग आए थे, रोड पर से कुछ कुछ बोल के चले गए थे, क्योंकि हम लोग उस समय 15-20 ही महिला थे तो बोल के जा रहे थे, यहाँ नहीं आए लेकिन रोड पर से बोल रहे थे। तो मैं उनकी बात रोड पर वाला बात को नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर जैसे ही यहाँ से हम लोग हटेंगे ये मूर्ति को वो लोग तोड़ के फेंक देंगे, ऐसा उन लोगों का विचार चल रहा है। हमारे हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुरक्षा करे, हमारी बहनों की सुरक्षा करे, धारा 144 लागू करे ताकि इसके अंदर कोई नहीं है। आपने प्रशासन को सूचित किया इस मामले को लेकर? हाँ, हमने रात थाना प्रभारी भी आए थे और सीओ साहब भी आए थे, सब लोग आए थे और सीओ साहब इसको सवेरे नापी भी करवाए हैं, और जिससे हम जितना चाह रहे थे कि अनुमान थी हम लोगों की, उससे कई ज़्यादा जमीन भी निकली है, सरकारी से सरकारी जमीन भी निकली है। सीओ साहब कब इसको घेराबंदी करके गए? आज सवेरे करवाए हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रिंकू देवी है, राष्ट्रीय विकास संगम के महिला समिति महिला अध्यक्ष है और बधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है।